दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको अपने बाइक या गाड़ी का अगर मनपसंद नंबर लेना हो तो कौन कौन से नंबर अवेलेबल है एंड आप ऑनलाइन तरीके से कैसे नंबर बुक कर सकते हो, सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर आना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, चाहो तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। इस वेबसाइट का parivahan.gov.in ये वेबसाइट है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, कुछ ऐसा इंटरफेस इस वेबसाइट का है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे फैंसी नंबर बुकिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी वगैरह आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे पहले से अकाउंट है, इस वजह से ये आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं तो आप न्यू पब्लिश यूज़र पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका जो स्टेट वगैरह है आप चॉइस कीजिए, अपना एप्लीकेशन नेम चॉइस कीजिए, ईमेल आईडी चॉइस कीजिए, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा डाल के आप सबमिट कीजिए। तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। जो भी आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहता है वो आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे वो भेज देते हैं। तो आप डायरेक्टली इजी तरीके से आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हम लॉगिन वगैरह बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कौन कौन सा नंबर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको चॉइस नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना स्टेट चॉइस करना है। जैसे कि हम यहाँ से अपना गोवा चॉइस करते हैं। गोवा चॉइस करने के बाद आरटीओ नेम यहाँ पे चॉइस करेंगे। आरटीओ नेम हम यहाँ से कौन सा भी चॉइस कर सकते हो, जो भी आपके आपका है। तो हम पंजी आरटीओ चॉइस करेंगे। यहाँ से जैसे हमने क्लिक किया तो ये कुछ टाइम लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी पसंद नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी तो यहाँ पे जो नंबर दिए जाते हैं वो अवेलेबल है। आप यहाँ से कौन सा भी नंबर चॉइस कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली आरटीओ के ऑफिस में जाके भी ये डायरेक्टली नंबर ले सकते हो, या ऑनलाइन तरीके से भी आप इस नंबर को बुक कर सकते हो। तो अभी हम आपको ऑनलाइन तरीके से बुक कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो चलिए फैंसी होम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉगिन वगैरह करेंगे हमारे अकाउंट पे। तो हम अभी अपना ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन वगैरह करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे होम नंबर सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पे आपका आरटीओ चॉइस करना है। जैसे कि हम पंजी आरटीओ चॉइस करेंगे। व्हीकल टाइप आपको चॉइस करना है, जैसे कि हम नॉन ट्रांसपोर्ट फॉर प्राइवेट व्हीकल पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे व्हीकल कैटेगरी हम चॉइस करेंगे लाइट मोटर व्हीकल। एंड सिलेक्ट व्हीकल सीरीज, आप यहाँ पे जो भी आपको सीरीज चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये दो सीरीज अवेलेबल है, अभी चल रही है। तो GA07L एंड GA07N। तो यहाँ पे आपको कौन सा भी आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने वो सीरियल सेलेक्ट किया तो कुछ यहाँ पे नंबर शो हो जाते हैं। जैसे कि 1133 22500 को मिलेगा, 1155 22500 को मिलेगा, 1188 22500 को मिलेगा। तो ऐसे कुछ नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको 1133 नंबर लेना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नेम ऑफ पर्सन डालना है। जो भी आपका जिस नाम से आपको बुक करना है वो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। ओनरशिप व्हीकल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इंडिविजिबल यहाँ पे SODOWO नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है। पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका सिटी यहाँ पे डालना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चॉइस करना है। आपका पिन कोड यहाँ पे डालना है। आपका मोबाइल नंबर पहले से आता है यहाँ पे, जब आप लॉग इन करते हो जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हो वो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी आता है। चाहो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको डालना रहता है, ये पहले से ही आता है। एंड यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो भी वोटर आईडी कार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपको एड्रेस प्रूफ या लाइसेंस नंबर में आपको जो भी यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया रहता है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। जैसे आप फिल करोगे यहाँ पे आपको इस पर टिक मार करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम ये सारे डिटेल फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको ओनर का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे आपको ओनर का नेम वगैरह दिख जाएगा। तो आपको आपने जो भी नंबर बुक किया है वो यहाँ पे डिटेल आ जाता है कि आपने ये नंबर सिलेक्ट किया है और इसका जो प्राइस है इतना है। और पेबल आपको 22500 करना है। और यहाँ पे पेमेंट मोड SBI पेमेंट गेटवे रहता है। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा यहाँ पे दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पे आपको
डालना रहता है। तो हम अभी अपना जो कैप्चर है वो डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे टिक मार्क करना है आपको और पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम पेमेंट ई चालान क्लिक करेंगे और टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक नया टैब ओपन होता है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है 25 या 11+25 और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है और सिलेक्ट पेमेंट गेटवे पे इनिशिएट पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको एक रिसिट मिल जाता है, उसका कॉपी लेके आपको आरटीओ ऑफिस में जाना है। जो भी आपने एड्रेस प्रूफ में दिया रहता है वो आपको ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके जाना है, और जो भी वो बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप नंबर ऑनलाइन तरीके से बुक कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।